बात दिया। जिले की भिंडर नगर पालिका द्वारा सूरजपोल चौराहा पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने तथा गंभीर सागर तालाब की पाल के सौंदर्यकरण के लिए विरोध के बावजूद सोमवार को अस्थायी कैबिनों के कब्जे हटा दिए गए। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ललित सिंह देथा ने बताया कि शुक्रवार को 8 अस्थायी कैबिन धारकों ने 24 घंटे में कैबिन हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। इससे पूर्व में 14 अस्थायी कैबिन धारकों ने बिना किसी नोटिस आपसी समझाइश से ही मौके से कैबिन हटा लिए गए थे। नोटिस जारी होने के बाद समय पूरा होने तक जिन अस्थायी कैबिन धारकों ने कैबिन नहीं हटाए उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोमवार को नगर पालिका ने JCB से पुलिस सुरक्षा में कैबिन को हटाया। इस दौरान मौके पर वरिष्ठ लिपिक इंद्र सिंह चौहान, कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, थाना अधिकार पूनाराम गुर्जरमय जाप्ता मौजूद रहे। शुक्रवार को हुए घटनाक्रम के चलते एहतियात के तौर पर नगर पालिका द्वारा सोमवार को मौके पर पुलिस प्रशासन तथा नगर पालिका के कर्मचारियों को बुलाया गया था। नगर पालिका द्वारा बद्रीलाल पाइटिया, प्रहलाद वैद्य, मुकेश चौबीसा, पार्षद मग्नीराम रैगर, श्यामलाल नाई, रामेश्वर मुंदड़ा, नरभू लाल चंद्र, उदयलाल अहीर, ललित चौबीसा, सत्यनारायण चौबीसा, गोविंद प्रजापत, शंकर रैगर, राजमल वैष्णव, प्रहलाद चौबीसा, भैरूलाल हरिजन, राधेश्याम पुजारी, विनोद वैद्य, प्रकाश रैगर, चंपालाल प्रजापत, लक्ष्मीलाल के कैबिन हटा दिए गए। अस्थायी कैबिनों को नहीं हटाने के लिए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व पार्षद गोवर्धन लाल भोई शुक्रवार को करीब 2 दर्जन से भी अधिक लोगों एवं अस्थायी कैबिन धारकों के साथ नगर पालिका कार्यालय पहुंचे थे तथा अधिशासी अधिकारी ललित सिंह देथा से कैबिन नहीं हटाने की मांग की थी, लेकिन वार्ता के दौरान ही ईओ व भोई में जमकर बहस हो गई और हंगामा हो गया था। उदयपुर शहर की तरह जिले की कानोड़ नगर पालिका के पार्षदों को भी बाड़ेबंदी में रखा हुआ है और वहां भी उनकी मौज मस्ती खान पान चल रहा है। दरअसल कानोड़